بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم Respected parents and students, Assalamu alaikum. Class 4, आज हमने 4.5 स्टार्ट करनी है. 4.5 स्टार्ट करने से पहले आप अपनी स्टेशनरी कॉपीज एंड PDF आप अपने सामने रखें और कॉपीज़ को रेडी कर लें 4.5 के लिए. एक्सरसाइज 4.5 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़नी है. बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम नंबर्स आपने देखे हैं, उसमें आपको मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाए थे प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं, 1 and 8 सेल्फ. ठीक है बेटा, फैक्टराइज करेंगे जो आपके प्राइम नंबर्स होंगे, वही फैक्टराइजेशन के लिहाज से दिखे जाएंगे. आपका कौन सा पेज है? पेज नंबर है 84. पेज नंबर 84 पर बेटा डेफिनेशन लिखी हुई है, राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. इसका मतलब ये है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. फैक्टर्स मैंने आपको बताया था ना, जो हम बनाते हैं कि कौन कौन से टेबल्स पे जाते हैं. ठीक है, फैक्टर्स वो होते हैं. प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई. क्या मतलब होता है इसका? मल्टीप्लाई होता है. आपने प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है. ठीक है जी, ये आपके पास था. अब हमने क्या करना है? पेज नंबर 84 पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 16. ये बेटा आज जो हम काम करने लगे हैं, फ्री मेथड है. लिखा हुआ है आपका पेज नंबर 84 पे, देखे नहीं, ट्री मेथड बनाएंगे हम इसका. किस टेबल पे रहता है ये? टू के टेबल पे रहता है. देखिए जी, टू मल्टीप्लाई 8, ऐसे ही है ना. टू को हमने 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 16 आता है. नेक्स्ट देखें, अब टू तो किसी भी टेबल पे नहीं जाता, सिर्फ अपने टेबल पे रहता है, तो हम इस टू को एज इट इज लिखते हैं, मल्टीप्लाई. अब बताएं 8 किस टेबल पे रहता है? 2 4 दा क्या होता है? 8 होता है. यहाँ पे 2 आ गया, मल्टीप्लाई 4. ये 2 भी एज इट इज़, ये 2 भी एज इट इज़, जो बिल्कुल भी किसी टेबल पे नहीं जाता वो ऐसे ही आते जाएंगे, मल्टीप्लाई. 4 डिवाइड होता है और 4 हमने डिवाइड किया, क्या रहेगा जी? 2 2 4, क्या आ गया? 2 2 4. अब आप देखें, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है. क्या 2 और डिवाइड हो सकते हैं? नो, क्योंकि ये किसी और नंबर पे नहीं जाते, ये 1 पे जाते हैं और अपने टेबल पे जाते हैं. अब आपके पास जो ये लास्ट पर आंसर आ रहा है, ये देखिए आपने इसे कैसे लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? 4. 4 आ गया. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? 8. 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आंसर? 16. आंसर क्या आ गया? 16. देखिए जी, यही नहीं आपको ऊपर आंसर आ रहा था? यही नहीं आपको क्वेश्चन दिया हुआ आंसर वाला? यही क्वेश्चन दिया हुआ ना, मतलब आपकी जो प्राइम फैक्टर्स क्या हैं वो ठीक हैं. क्या है ये? ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर्स. क्या कहते हैं इसे? हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं. ठीक है क्लास. फिर देखें, 16 को हमने डिवाइड किया, 2 पे जाता था, ये 2 8 16. फिर हमने देखा 2 किसी भी टेबल पे नहीं जाता, हमने इसे एज इट इज़ नीचे उतार ली. 8 है, 2 4 8. नेक्स्ट देखें, 2 2 दोनों नहीं जाते थे, ये हमने ऐसे उतार लिए, 4 डिवाइड होता था, 2 2 4. आपने जब तक इसे सॉल्व करते जाना है, जब तक आपके पास कोई प्राइम नंबर नहीं आ जाता, मतलब 2 3 5 7 11 13, ठीक है, ऐसे नंबर्स नहीं आ रहे थे जो सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं, तब तक आप डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे. अब हमने जब यहाँ तक देखा तो देखिए 2 2 2 2 आ गया. 2 सिर्फ अपने टेबल पर जाता है, मतलब ये क्या है जी? प्राइम फैक्टर है.
क्या है, ये प्राइम फैक्टर है। और ये जो हमने सारा मेथड किया है इसे हम प्री मेथड भी कहते हैं। क्या मेथड कहते हैं इसे? हम ट्री मेथड कहते हैं। ट्री बना हुआ है ना, ट्री है ना, ये देखें ट्री बन रहा है हमारे पास, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्री मेथड कहते हैं। आगे देखें बेटा, उन्होंने लिखा हुआ है 75। फाइव पे डिवाइड करते हैं। फाइव से पहले देखें किसी और टेबल पे ये डिवाइड होता है? थ्री टू द थ्री पे देखें होता है, थ्री टू द सिक्स, थ्री फाइव द 50। ठीक है क्लास, थ्री को 25 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 75 होता है। अब थ्री किसी भी टेबल पे नहीं जाता, थ्री आर दैट इज मल्टीप्लाई 25 किस टेबल पे रहता है? फाइव पे, फाइव फाइव द 25, थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव, थ्री फाइव द 15, 15 को हम फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं 25, फाइव अंदर फाइव और सेवन। जी बेटा आपके पास आंसर वाला ही आ रहा है, आंसर वही आ रहा है जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, मीन आपका सही है। ये आपके पास क्या हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए। क्या हो गए ये आपके पास? प्राइम फैक्टर। ठीक है क्लास, अब देखें हमने आगे लिखा हुआ है 36। 36 बेटा आपने वो खुद सॉल्व करना है। ओके, इन्हें मैंने लास्ट में सॉल्व कराया, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं दी हुई, क्या हमने इन्हें सॉल्व करना है। अब देखें जी नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है डिवीजन मेथड। क्या लिखा हुआ बेटा? डिवीजन मेथड लिखा हुआ है। डिवीजन मेथड को हम पहले सॉल्व करने से पहले हम पेज नंबर 86 पर आ जाएं आप, ताकि आपने जो सीखा है उसके मुताबिक आप सारे सवाल सॉल्व कर सकें, फिर हम डिवीजन मेथड सीखेंगे। जी बेटा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 33। पेज नंबर है 86। जी लिखा हुआ है, पहला सवाल है आपका, थर्टी थ्री। जी बेटा 33 का आपने वो ले लेंगे, ऐसे उन्होंने बनाया है आपकी बुक पे। ठीक है जी, अब देखें 33 किस टेबल पे रहता है? थ्री के टेबल पे देखें, थ्री के टेबल पे कहाँ रहता है? 3, 11, 33 यही है जी, 11 पे ही रहता है। देखें अगर हम 11 का टेबल पढ़ें, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33। अब देखें यहाँ पे ये 3 आ गया, ये 11 आ गया, क्या ये मेरी डिवाइड हो सकते हैं या अपने टेबल के अलावा ये किसी और टेबल पे जाते हैं? नहीं ना जाते, तो ये आपके पास क्या हो गया? आंसर हो गया। उन्होंने आपके नीचे लिखा हुआ है, इससे नीचे फिर इन दी ब्लैंक्स मांगी हुई है और लिखा हुआ है इक्वल टू 33। ये जो लास्ट पे आपका आंसर है वो आप लिखेंगे 3 और 11। ओके क्लास 4, आपने ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। इसका जो पार्ट बी है सिर्फ वैल्यू चेंज है, मैं आपको इससे नहीं करवा रही, मैं अब आपको करवाने देगी हूँ 56 सी पार्ट, ये आपका ए पार्ट। जी बेटा 56 का हम बनाएंगे। जी क्लास हमने टेबल्स पढ़े हुए हैं, अब मुझे सब बच्चे सोच के बताएंगे कि आपने कहाँ पे 56 पढ़ा हुआ है। देखिए जी 6 का टेबल पढ़ते हैं हम, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 और 6 9 54। तो 6 10 का क्या हो गया? 60। क्या 56 आता है जैसे 6 11 पर? नो। अब हम 7 का टेबल पढ़ते हैं, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। किसके टेबल पर गया? ये 7 के टेबल पर। क्या करेंगे अब हम यहाँ पे 7
मल्टीप्लाई 8। ठीक है क्लास, अब देखें 7 किसी भी टेबल पर नहीं जाता तो ये 7 ही आते। मल्टीप्लाई 8 को देखें, 8 किस टेबल पर जाता है, 2 पे जाता है, 2 4 8। अब 7 भी अपने टेबल पर जाता है, 2 भी अपने टेबल पर जाता है, 4 देखें, 2 2 4। जी बेटा आप देखें इसमें इस तरह लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक आपने फिल करनी है। 56 देखें जी, 7 फर्स्ट वर्ड क्या था, 7, सेकंड 2, थर्ड 2 और 4 क्या है जी, 2 है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके देखें, 7 2 14, 14 2 28, 28 2 क्या होगा, 56 हो जाएगा, क्या होगा, 56 हो जाएगा। आगे देखें बेटा, लिखा हुआ है डी पार्ट 63, लिखा हुआ है ई पार्ट लिखा हुआ 54, तो आपने कुछ सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बस वैल्यू चेंज है, बाकी आप खुद से अटेंड करें। अब आ जाते हैं हम डिवीजन मेथड पे। डी ए वाला आपने सारा काम अभी तक किया है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, एज अ कम्पेयर टू ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड। अब जो हमने करना है बेटा वो है आपके पास डिवीजन मेथड है। देखिए जी, एलसीएम लेना आज हमें सीखना है। जैसे हम डिवीजन करते हैं ना, सेम वैसे ही एलसीएम, बस ये है कि आपने वो आंसर लिखना होता है जहाँ पे वो डिवाइड हो। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए जी यहाँ पे मैं सॉल्व करने लगी हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी डेफिनेशन कहाँ है। डिवीजन मेथड देखिए जी, सॉल्व करते हैं, यहाँ मैंने दिया हुआ है जी 10, 10 को मैंने डिवाइड करना है, पहले मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको। 2 5 10 सॉल्व हो गया। अब हमें डिवीजन मेथड करना है, ये देखिए जी बेटा, ये जो मैंने ये वाली लाइन लगाई है ये आपका डिवीजन मेथड करने का तरीका है, ठीक है, ये डिवाइड करने का तरीका है, ये डिवीजन का तरीका है। 10 कहाँ पे रहता है, 2 पे, यहाँ साइड पे आप 2 लिखें, ठीक है, 2 के टेबल पे 10 कहाँ रहता है, 5 पे, इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, 5, ठीक है, 10 लिखा हुआ था, हमने देखा ये 2 पे रहता है, तो 2 यहाँ हमने बाहर की तरफ लिखा और 5 हमने यहाँ लिखा। इसमें आपने यही काम नहीं किया था, यही किया था ना, तो बस देखने भी यहाँ ऐसे हो गया। अब देखें आगे, 5 किस टेबल पे रहता है, 5 पे रहता है, 5 1 5, कोई प्रॉब्लम बेटा। अब देखें आगे आप इसे किस तरह लिखेंगे, ये जो दोनों हैं ये वाले, इन्हें लिख देंगे 2 × 5, क्या आंसर आ गया जी, 10 आ गया, ठीक है। इसको जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आंसर आता है, 10 आता है। ये डिवाइड का तरीका था और ये डिवीजन मेथड है, क्या है, ये डिवीजन मेथड है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेटा आप डेफिनेशन पे अंडरलाइन करेंगे, पेज नंबर 85 है, उन्हें लिखा हुआ है स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स, ये आपने इसको अंडरलाइन कर लिया, ठीक है जी, सबसे छोटे नंबर से आपने डिवाइड करना स्टार्ट करना है। देखिए मैंने सबसे छोटा नंबर लिया ना 2, 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है, 1 तो ऐसा नंबर है जिसके हर जो है टेबल या हर क्वेश्चन में अगर आप उसे 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो वही आंसर आता है, तो 2 सबसे छोटा नंबर है, ठीक है क्लास, 2 से आपने स्टार्ट करना है। 2 के बाद आप 3 यूज़ कर लें, 4 यूज़ कर लें, 5 यूज़, 4 नहीं यूज़ करना है, प्राइम नंबर यूज़ करना है, 2 यूज़ करेंगे, 3 यूज़ करेंगे, 5 यूज़ करेंगे, ठीक है, 7 यूज़ करेंगे, ऐसे आपने नंबर यूज़ करने हैं। अच्छा जी बेटा, अब आपका पेज नंबर 86 पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है 27, पेज नंबर 85,
में दो नए मेथड सीखे हैं, एक है प्राइम फैक्टर्स और दूसरे क्या सीखे हैं, डिवीजन मेथड। देखिए जी बेटा दिया हुआ है 27 पेज में। उन्होंने पहला नंबर बता दिया है कि आपने किससे स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है। जी बेटा 3 की जगह पे 27 कहाँ जाता है, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा, 3 9 27 समझ आ गई। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, फिर देन 3 1 3। जी बेटा जैसे जैसे डिवाइड होता रहता है हमने करना है, आपके जब आप डिवीजन मेथड करें तो ये यहाँ लास्ट पे 1 आना लाजमी है। ओके क्या है, यहाँ पे लास्ट पे 1 आना लाजमी है। फिर देखें 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब आपने इसे कैसे लिखना है, 3 ये वाले पार्ट लिखेंगे आप बेटा, मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 3 9, 9 3 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 27, ये इसका आंसर। ठीक है अब देखें आगे लिखा हुआ है 48। ये बस उन्होंने सॉल्व करने के तरीके बताया है, इसलिए उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं 4 और 8। अच्छा अगर हम इन्हें रहते देखें तो कौन से नंबर पे रहते हैं, 2 पे हम डिवाइड करते हैं। देखें यहाँ मैंने लिख दिया 2, 2 के नंबर 4 कहाँ रहता है क्लास, 2 2 4, और 8 कहाँ जाता है, 2 4 8। कोई प्रॉब्लम, मैंने लहरा करके डिवाइड किया। अब देखें फिर जाता है इसे 2 1 2, 2 2 4, ऐसे ही है। अब देखें 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये वाली वैल्यूज लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसे मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 40 8, ये इसका आंसर। समझ आ गई। अब देखें नेक्स्ट लिखा हुआ है 99, वो आप बुक पे खुद सॉल्व करेंगे। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 86 पे। पेज नंबर 86 में लिखा हुआ है 20। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है ए, वो लिखा हुआ है जी 20। 20 को सॉल्व करेंगे, 2 पर आता है, 2 1 2 और 0 है, दैट इज 2 10 20 होता है ना, तो मैंने ये लिख दिया। अब आगे देखें 2 5 10, 5 1 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4 4 5 20, ये इसका आंसर आ गया। इसका बी और सी पार्ट सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, वो आप खुद अटेंड करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ओके सेवन, ओके फोर क्लास। अब देखें हमने आ जाना है पेज नंबर 87 पे। जी बेटा 87 पे आपका नया काम शुरू हो रहा है, वो क्या काम है, अभी हमने मैंने आपको ये बताया था डिवीजन मेथड भी है, मैंने एक वर्ड बोला था इसमें, क्या वर्ड बोला था मैंने, LCM, क्या बोला था वर्ड मैंने, LCM। अब वो LCM होता क्या है, आज हम वो पढ़ने लगे। बेटा ये जो 3 वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या है, ये इतना छोटा क्यों है, कोई नाम क्यों नहीं है इसका, ऐसे ही हो सकता है ना कोई तो नाम होगा इसका। देखिए जी, L फॉर लीस्ट, क्या मैंने वर्ड बोला, लीस्ट। C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल, क्या है बेटा, L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। बेटा लीस्ट का क्या मतलब होता है, कम, या कम तर कह लें या कम कह दें, मतलब बहुत छोटा,
कम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम, बहुत छोटा। आपने एलसीएम में वो नंबर्स लिखने हैं जो बहुत छोटे हों, ठीक है जी। अब देखें मल्टीपल्स क्या होते हैं, हमने इतनी देर टेबल्स लिखे हैं, हम टेबल लिखते हैं ना, टू वन इज टू, टू टू आर फोर, टू थ्री आर सिक्स, टू फोर द आर एट। अब जो ये पार्ट है सारा आपका बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, आप टू को वन से मल्टीपल करें, मल्टीप्लाई करें तो टू आ रहा है, टू को आप टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, फोर आ रहा है। इसी तरह बेटा ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे। कॉमन होगा जो आपके पास सेम नंबर हो, कॉमन नंबर किसे हम कहते हैं, सेम को। और इसके इंग्लिश का जो मीनिंग है वो क्या है जी, स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, पेज नंबर है 87। 87 पे देखें मैंने लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5, आइडेंटिफाई द एलसीएम। आइडेंटिफाई का मतलब है शिनाख्त करनी है आपने कि इसके अंदर एलसीएम क्या है, मतलब सबसे छोटा नंबर क्या है। चलिए बेटा हम लिखते हैं अब इसको, फोर पॉइंट सिक्स हमारी स्टार्ट हो गई। लिखा हुआ है जी मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, लिखेंगे जी 4 वन द 4, 4 टू द 8, 4 थ्री द 12, 4 फोर द 16, 4 फाइव द 20, 4 सिक्स द 24, 4 एट द 28, 4 नाइन द 4 8 the 32, 4 9 the 30, 6 or 4 10 the 40। अब देखें नेक्स्ट क्या है जी मल्टीपल हमारे पास, ओ 5 का ही मल्टीपल है, 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, 5 5 the 25, 5 8 the 30, 5 7 the 35, 5 8 the 40, 5 9 the 45, 4 then 50। अब आपने देखा है इन दोनों में से, इन दोनों लाइन में से कौन सा कॉमन है, 4 है इसमें, नो, 8 है, नो, 12, 16 क्या है इसमें, 20, और ऐसे ही है ना, आगे देखें 24 भी नहीं है, 28 भी नहीं, 32 भी नहीं, लास्ट में क्या है जी 40। अब आपने इसमें एलसीएम लिखना है, एलसीएम मैंने अभी बताया था बेटा, एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट। आपके दो कॉमन आए हैं, एक 20 है, एक 40, क्या पार्ट आए हैं, दो कॉमन पार्ट आए हैं, एक क्या है 20 और एक 40 है, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 20, तो 20 आपके पास क्या है इसका आंसर, सबसे छोटा नंबर आपने लिखना है, समझ आ गई है। पहले आपने मल्टीपल्स लिखने हैं, मल्टीपल्स लिखने के बाद आपने बताना है कि उनमें से छोटा नंबर कौन सा है, वो आपका नंबर होगा, ठीक है। आगे आ जाइए बेटा पेज नंबर 88 पे, पेज नंबर 88 पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द मल्टीपल फॉर ईच नंबर गिवन बिलो, सर्कल द कॉमन मल्टीपल्स एंड फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ईच पेयर ऑफ नंबर्स। दो पेयर, जब दो नंबर्स दिए जाते हैं बेटा, दो नंबर्स मिलकर एक पेयर बनाते हैं, क्या मैंने कहा, दो नंबर्स मिलकर एक पेयर बनाते हैं, 4 और 5 आपस में क्या हैं जी, पेयर हैं। फिर आपने इनके, पहले आपने इनके मल्टीपल्स लिखने हैं क्वेश्चन में जो लिखा हुआ, फिर आपने इनके कॉमन पार्ट देखने हैं, फिर आपने बताना है कि एलसीएम क्या, ठीक है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसका ए पार्ट देखें बड़ा सारा उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 भी लिखा हुआ है, मल्टीपल ऑफ 6 भी लिखा हुआ है, आपने भी अपनी कॉपी से ऐसे ही करना है। मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल टू 2,
और कोशिश करिएगा कि आप 10 तक तो लाजमी लिखें, मतलब 2-10 दा तक, ये नहीं कि जहाँ 10 आया वहाँ पे स्टॉप हो जाए, 2-10 दा तक लाजमी लिखना, जैसे 2-10 दा 20। मल्टीपल ओ 6, 6 3 18, 6 4 20, 6 5 30, 36, 42, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 58, 6 9 54, 6 6 30, 6 कॉमन देखें, 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, 18 कॉमन है, ऐसे ही है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमन इक्वल टू 6, 12, 18, यही कॉमन है। अब आपने एलसीएम लिखना है जी बेटा, एलसीएम में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इसमें 6 आपका एलसीएम होगा। ओके, पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन में लिखा था पहले आपने पेयर के मल्टीपल लिखने हैं, फिर आपने उसके कॉमन पार्ट्स देखने हैं, फिर आपने एलसीएम लिखना है। हमने वैसे स्टेप्स कर दी, ठीक है। अब आपके पास देखिए सारे क्वेश्चन उन्होंने ऐसे लिखे हुए हैं, आपने टेबल्स लिखने हैं, और टेबल्स लिखने के बाद आपने उसे बताना है कौन कौन सा, इसका बी पार्ट, सी, डी, ई एंड एफ सेम है, बस वैल्यूज चेंज है, ये आपने खुद अटेंड करने हैं। मल्टीपल्स लिखिएगा, मल्टीपल्स के बाद आपने कॉमन फाइंड करने हैं, जरा कॉमन फाइंड कर लेंगे, फिर आपने देखना उसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा, ठीक है, वो आपका एलसीएम। अब आ जाए पेज नंबर 89। अब हमें जो बेटा करना है वो है एलसीएम करना है, लिखा हुआ है एलसीएम में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है बेटा। एक्सरसाइज नंबर हमारी 4.7 स्टार्ट है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने पहले भी किया था, ऐसे ही है ना, उसी के तरीके से हम इसे आगे करें। हमारी 4.7 शुरू हो गई है। ए पार्ट है इसका 6 और 10, यही दिया हुआ, यही दिया हुआ। अब आपने सवाल कैसे करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये लिख लो प्राइम फैक्टर्स ओ 6 इक्वल टू, क्या लिखना है आपने, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू, सेकेंड लाइन लिखेंगे आप इसकी ऐसी सेम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 इक्वल टू, डिवरा 6 का हम लेते हैं, ये आपका रफ वर्क है। सिक्स का हम लेते हैं, कौन से नंबर पे डिवाइड होता है, 2 पे 2 और 3, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 का लेंगे हम ऐसी, किस नंबर पे रहता है बेटा, 10 2 पे रहता है, 2 5 दा 10, तो यहाँ पे क्या देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें आपने इसमें इतना काम तो हमने पहले भी किया था 4.5, ठीक है। अब हमने नया काम करना है जिसमें हमें फाइंड करना है एलसीएम। अच्छा जी, इसमें देखें क्या पार्ट कॉमन है, 2 कॉमन है, ऐसे ही है ये क्लास। अब एक और चीज़ सीख लें, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई अनकॉमन मल्टीपल, ठीक है, कॉमन मल्टीपल और अनकॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन नीचे वाले पार्ट को रेज करने लगी हूँ,
कॉमन वैल्यू कौन सी आई है जो आपने सर्कल किया? टू टू, मैंने भी आपको एक बात बताई थी, जो दो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पेयर। ये टू टू दोनों सेम है, सेम पेयर बना रहे हैं, तो ये एक दफ़ा लिखे रहे हैं। आगे अनकॉमन क्या है जी? अनकॉमन थ्री है मल्टीप्लाई, और क्या है जी? फाइव। फिर देखें बेटा, हमने नया काम किया है, दोबारा देखें। सिक्स का हमने फैक्टर बनाया, टेन का हमने फैक्टर बनाया, यहाँ तक हमने सबने कर लिया। फिर हमने देखा इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही थी, टू कॉमन आ रही, ये भी टू ये भी टू दोनों कॉमन हो गए। अब देखें कॉमन मल्टीपल अनकॉमन, कॉमन पार्ट में क्या आ गया? जिसको हमने सर्कल किया था। अनकॉमन में कौन सा पार्ट आ गया? जिसको हमने सर्कल नहीं किया था, मीन्स थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, टू थ्री का क्या होता है बेटा? सिक्स। सिक्स फाइव का क्या होता है? सिक्स फाइव का क्या होता है जी? थर्टी। आंसर क्या आ गया जी? थर्टी आ गया। अब ये इसे मिलता जुलता आंसर नहीं आया, ठीक है, थर्टी आया, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। थोड़े से मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से तो सारे काम आसान हो जाते हैं। तो हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारे देखे क्वेश्चन कितने ईजी होते जाएंगे। अब आगे हमने करना है 16 और 24, सॉल्व करेंगे हम उसको। बी पार्ट है 16 और 24, आधे का बेटा यहाँ पे। जब उन्होंने कहा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू, ठीक है जी, 16 और 24 इक्वल। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, देखिए जी 16 है, टू पे रहता है, टू एट द 16, टू एट दैट इज टू फोर द, ये भी टू ऐसे, ये भी टू ऐसे, और टू टू द। क्या आ रहा है लास्ट पे? ये पार्ट आ रहा है, इसको आपने लिखा, ठीक है जी। यहाँ पे हमने लिख दिया ये इसके फैक्टर्स। 24 का देखें, 12 टू का क्या होता है जी? 24, यहाँ पे 2 और 12, 2 एज इट इज, 2 सिक्स 12, 2 2, और यहाँ पे क्या आएगा जी? 2 और 3। जो नीचे वाली लास्ट लाइन आई है वो आप लिखेंगे, देखें जी क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसे लिखेंगे। अब देखें जी सबसे पहले कॉमन पार्ट, टू कॉमन है, टू कॉमन है, टू कॉमन है, और कोई कॉमन है? टू और थ्री सेम है, नो, तो इसलिए वो कॉमन पार्ट नहीं है। वो कौन से पार्ट है? अनकॉमन पार्ट है। क्या है? अनकॉमन पार्ट है। फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। कॉमन में देखें ये एक पेयर है, मीन्स टू आ जाएगा, फिर दूसरा पेयर है, फिर टू आ जाएगा, फिर तीसरा पेयर किसका है जी? फिर टू का पेयर है, मल्टीप्लाई, ऊपर वाला टू आ जाएगा, ये अनकॉमन था, नीचे वाला थ्री आ जाएगा, ये अनकॉमन। अब आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, टू टू द 4, 4 टू द 8, 8 थ्री द, सॉरी 8 टू द 16, 16 थ्री द क्या होता है? 48। आंसर क्या आ गया बेटा? 48, ठीक है। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, फोर पॉइंट सेवन के जो बाकी पार्ट्स हैं बेटा, वो दिए हुए हैं जी, कौन कौन से हैं? सी है, डी पार्ट है, ई है, और एफ है, सेम है, बस वैल्यूज चेंज है,
मेथड यही इस्तेमाल होगा, वो आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट देखें बेटा, लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पेज नंबर 91। पेज नंबर क्या है जी? 91, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था एलसीएम, और आज हमने दूसरा कौन सा मेथड पढ़ना है? एचसीएफ। क्या पढ़ना है? एचसीएफ पढ़ना है जी बेटा। एचसीएफ क्या है? इनके दरमियान में मैं डॉट्स इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बेटा ये मैंने कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखे हुए। जब हम फर्स्ट डिजिट लिखते हैं तो बाद में हम डॉट लगाते हैं, फिर नेक्स्ट डिजिट का हाफ लिखते हैं तो डॉट लगाते हैं। पूरे स्पेलिंग लिखूंगी तो फिर देखिएगा मैं डॉट नहीं लगाऊंगी। एच फोर क्या है बेटा? हाईएस्ट। सी फोर क्या है? ये तो हमने एलसीएम में भी पढ़ा था, कॉमन। एफ फोर क्या है? फैक्टर। एफ फोर क्या है? फैक्टर। हाईएस्ट मीन बड़ा, इंग्लिश में इसका मतलब है लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है। कॉमन मतलब जी क्लास मैंने बताया था, कॉमन मतलब सेम नंबर्स जिन्हें आप कॉमन लेंगे। फैक्टर आपने बताने हैं कि कौन से टेबल्स पे जाते हैं और कौन से नंबर्स पे नहीं जाते, ठीक है जी। फैक्टर्स वो हो जाएंगे जैसे प्राइम फैक्टर था, वन है, वन के रेवे पे जाता है, टू के रेवे पे जाता है, थ्री पे जाता है, फोर ट्वेल्व की बात कर रही हूँ, फोर के रेवे भी जाता है, सिक्स से भी जाता है, ट्वेल्व से भी जाता है। ये सारे नंबर्स क्या हैं? फैक्टर्स के लाइन, ठीक है जी। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा एलसीएम में, एलसीएम इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन मल्टीपल्स, ठीक है जी। अब हम करते हैं पेज नंबर 91 पे बेटा, इन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 40। क्या फाइंड करना है आपने इसमें? कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं 32 एंड 40 के। आइडेंटिफाई द एचसीएफ, आइडेंटिफाई करना है एचसीएफ। आइडेंटिफाई का मतलब होता है बेटा शनाख्त करना। क्या मतलब होता है आइडेंटिफाई का? शनाख्त करना, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं अपना क्वेश्चन। दिया हुआ है 32 और 40। अब आप यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 32 इक्वल फैक्टर ऑफ 40 इक्वल। जी बेटा ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, फैक्टर हमेशा वन से स्टार्ट होते हैं। वन के टेबल पे रहता है ना 32, वन के टेबल पे 32। अब 32 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे, 2 बांधा 2, माइनस किया 1, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। 2 सिक्स 12 मीन्स 2 के रेवे पे भी जाता है, 2 आ जाएगा। 3 पे रहता है 32, 3 टेन 30 एंड 3 इलेवन 33 मीन्स 3 पर ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 पे, 4 एट क्या होता है क्लास 32। 5 पे, 5 सिक्स 30, 5 सेवन 35 मीन्स 5 पे भी ये नहीं जाता। 6 देखें, 6 सिक्स 36 और 6 फाइव 36 पे भी नहीं जाता। आगे जाएगा 8 फोर 32। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी इसमें? 16 पे ये जाता है और देन 32, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 40, 140 दा 40, 220 दा 40, 3 पे नहीं जाएगा,
फोर टेन दा फोर्टी, फाइव एट दा फोर्टी, और किस जगह पर रहेगा, सिक्स पे भी नहीं जाता, सेवन पे भी नहीं, एट पे रहेगा, एट फाइव दा फोर्टी, टेन फोर दा फोर्टी, आगे आ जाएगा जी ट्वेंटी और देन फोर्टी। ठीक है जी, अब इसमें से आप कॉमन ले लें, टू कॉमन है, वन कॉमन है, फोर कॉमन है, एट कॉमन है, और क्या कॉमन है इसमें, कुछ भी नहीं, वन टू फोर एंड एट। ए सी एफ फाइंड करेंगे आप इसे बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, एट है। ठीक है जी, ये इसका आंसर हो गया। एल सी एम में हमने क्या किया था, एल सी एम में हमने सबसे छोटी वैल्यू देखी, ऐसे ही है, लेकिन ए सी एफ में आपने क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। अब देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 92 पे दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 4.8। पहला सवाल दिया हुआ है 3 and 9, क्या दिया हुआ है बेटा, 3 and 9, इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.9, पहला सवाल है इसका, 3 और 9 का आपने बेटा लेना है। यहाँ पे आप लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 3। जी बेटा, किस टेबल पे रहता 3, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्या आएगा 1, देन 3 टू के टेबल पे रहता है, नो, आगे क्या आ जाएगा 3 1 3, फैक्टर, बल्कि फैक्टर्स आएगा, फैक्टर्स ऑफ 9, 1 9 9, 3 3 9 और 9 1 9, यही आता है। कॉमन फैक्टर ले लें, कौन सा इसमें, 3 कॉमन है और 1 कॉमन, हाईएस्ट 1 and 3। जी बेटा, 1 और 3 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 है, तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बड़ी वाली वैल्यू का करवा देती हूँ, फिर आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। बी पार्ट बता देती हूँ कौन कौन सा आपने खुद करना है, बी है, डी, ई एंड एफ सेम है, बस वैल्यूज चेंज है। अब हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में बेटा क्या लिखा हुआ है, 18 and 36, 18 and 36, देखें सॉल्व करेंगे हम इसको। इसका है सी पार्ट। देखिए जी बेटा, हम पहले यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल। जी बेटा, सबसे पहले क्या आएगा, 1, 1 18 दा 18, 2 9 दा 18, 3 6 दा 18, अब देखिए 4 पे नहीं जाता, 4 3 दा 12 होता है, 4 4 दा 16 और 4 5 दा 20, मतलब 4 पे नहीं जाता, 5 पे भी नहीं जाता, 6 पे जाएगा, 6 3 दा क्या होता है जी 18, 9 2 दा 18, आगे कहाँ जाता है और, देन आ जाएगा जी 18, 36 को देखेंगे, 1 36 दा 36, 2 18 दा 36, 3 12 दा 36, आगे आएगा 4 9 दा 36, 6 6 दा 36, 9 4 दा 36, 12 3 दा 36, 18 आ जाएगा और देन 36 है। कॉमन लेंगे अब इसमें हम कॉमन फैक्टर्स। हमें देखते रहना है कि किस किस टेबल पे जाता है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, 9 और 18 कॉमन है, 1
टू थ्री सिक्स नाइन और 18। कॉमन पार्ट इसमें ACF क्या है जी, बड़ी वैल्यू कौन सी आई है, 9 या 18? 18 बड़ी वैल्यू है, ये इसका आंसर। ठीक है क्लास, इसमें आपकी 4.8 भी कंप्लीट हो जाती है। अब हमने करनी है 4.9। बेटा 4.9 में क्या है कि ACF में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी है ACF में आपने? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 and 35। चलिए बेटा करते हैं सवाल 25 and 35। अपनों ने क्या कहा होगा कि हमने क्या फाइंड करना है इसमें? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जब कहेंगे कि आपने फाइंड करनी है, तो बेटा आपने क्या करना है उसमें? अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है 4.8 का एक पार्ट था, मैंने 4.9 लिखा हुआ है। एक मिनट जरा कंफर्म कर लेते हैं। ये 4.8 का ही 16 और 28 वाला पार्ट था। ठीक है जी, अब है 4.9 स्टार्ट हो रही। ये जो हमने यहाँ किया था ये 4.8 थी, अब जो हमारी स्टार्ट होने वाली है वो है 4.9। फर्स्ट है जी 36 एंड 35। जब बेटा आपको कहा जाए कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ओ 25, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 इक्वल टू द्रव वर्ग के लिए लाइन लगाएंगे आप 25। किस पेपर रहता है क्लास? 5 पे, 5 द 25। थर्टी फाइव का देख लो किस टेबल पे रहता है, 5 7 35, 5 × 7 5 आ गया, ये तो अनकॉमन है। अच्छा जी, हमने क्या फाइंड करना है? ACF, ACF में तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, अनकॉमन वैसे ही छूट जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 5 आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? देखिए बेटा, LCM में आपने अनकॉमन पार्ट लिखना था, लेकिन ACF में आपने अनकॉमन पार्ट नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 66 and 11। क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन? 66 and 11। इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, प्राइम फैक्टर्स ओ 66, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 11 इक्वल, ये आगे जी रफ वर्क के लिए लाइन 66 है। किस टेबल पर रहता है? 11 पर ही हम करते हैं 2 आ जाएगा, और 33 में 11 × 3 मीन्स 2 × 11 × 3। 11 किस जगह पे रहता है? 11 पे ही जाता है, तो 1 × 11 आ जाएगा। कॉमन क्या आ गया इसमें सर जी? 11। ACF पार्ट क्या हुआ इसमें? 11 हुआ, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, आगे अब आपके पास सी पार्ट, डी ई एंड एफ सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, लेकिन मेथड यही है जी। क्लास 4, मैंने आपको जो PDF भेजा था 4.9 तक, आज हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वीडियो के लास्ट पर आपके पास नंबर आ जाता है, आप उसके पर वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं कि आपको ये इस चीज़ की प्रॉब्लम है, हम आपको आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।